छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार दोपहर को नक्सलियों ने घात लगाकर डीआरजी के जवानों को आईईडी ब्लास्ट में उड़ा दिया। इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा एक ड्राइवर की भी जान चली गई। ये ब्लास्ट इस कदर खतरनाक था कि धमाके के बाद सड़क पर कई फुट गहरा गड्ढा हो गया और डीआरजी के जवानों की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बुधवार को हुए नक्सली हमले का जैसे ही एक वीडियो आज सामने आया, लोगों के मन में इस वीडियो को देख तरह तरह के सवाल उठने लगे, क्योंकि ये वीडियो धमाके के तुरंत बाद का था। इस वीडियो में धमाके की जगह बारूद का उठता धुआं दिखाई दे रहा था और गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद करता हुआ शख्स कहता सुनाई दे रहा था, पूरा उड़ गया भैया। ये पूरा धमाका नक्सलियों ने कैसे अंजाम दिया, अब इसकी परत दर परत सामने आ रही है। खुल गया भैया, पूरा उड़ गया। छत्तीसगढ़ में नक्सली अक्सर धमाके के लिए फरवरी से जून के महीने को चुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल नक्सली प्रभावित जंगलों में इस मौसम में पतझड़ की वजह से जंगल साफ हो जाते हैं, तो नक्सली ऑपरेशन के लिए ये मौसम बिल्कुल मुफीद होता है। पतझड़ की वजह से जंगल में दूर तक की देखने की क्षमता बढ़ जाती है। नक्सली गर्मी से पहले अपने नए लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। इसी वजह से पतझड़ के मौसम में जंगल के पत्ते गिर जाने से नक्सलियों को धमाका करने में आसानी होती है। जो सीजन है, गर्मी सीजन है, पूरा पतझड़ हो जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो टीसी उसी उनके लिए भी है तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे जवान भी सर्चिंग करने जाते हैं और लगातार इस प्रकार से जहां सूचना मिलती है घेराबंदी करके या तो वो सरेंडर करते हैं या उनकी मौतें होती है, तो ये चांस की बात है। लेकिन हमने दो उनके पकड़े हैं। पिछले समय जो घटनाएं घटी थी तो हमारे जवान लोहा लेते हुए जहां शहादत दी वहीं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा, नक्सलियों की हिम्मत तोड़ दिए थे। धमाके के तुरंत बाद का वीडियो देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली हमले के दौरान घटना स्थल के आसपास मौजूद थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि नक्सली हमले के बाद जवानों के हथियार लूटकर फरार हो जाते हैं। लेकिन दंतेवाड़ा में कल हुए हमले में नक्सली बिना हथियार लूटे फरार हो गए। माना जा रहा है कि बैकअप पार्टी घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद थी, इसीलिए नक्सली हथियार लूटने में फेल रहे। दंतेवाड़ा नक्सली विस्फोट में 5 किलो से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। यही कारण है कि जिस वाहन में जवान सवार थे उसके परखच्चे उड़े। साथ ही साथ सुरक्षा बलों ने उन दिशा निर्देशों के पालन करने में भी चूक की जो अक्सर नक्सल प्रभावित इलाकों में तय हैं। बताया जा रहा है कि जिस मार्ग पर विस्फोटक के लिए आईईडी का उपयोग किया गया वो पक्की सड़क है। इस मार्ग पर आवाजाही भी रहती है। विस्फोट के बाद सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।